दर्शनों का सूरत नमूदार होगा, इसी बैग का इलाज का रुख लाया जाएगा, इसी बैग का इलाज का रुख लाया जाएगा, इसी बैग का उन्हें महान खाना खिलाया जाएगा, इसी बैग पर मेरे बच्चे चिकन मेरे प्यारे कहते इमाम हुसैन के इमाम हुसैन 75 घोड़े घोड़े आए जाएंगे। मुझे यकीन है कि कहीं मेरे इमाम हुसैन के जिस्म का कोई छोटा सा कण का ना छूट जाए। अल्लाह मोहम्मद वहाँ कहा एक बूढ़ी अम्मा वो दूर दराज से नजर आपका ना कुछ काम कर रहा है चेहरा पहचानने में नहीं आया। मेरी मम्मी उसे उसकी अम्मा वहाँ पर झाड़ू लगा रही है, अपने बाल से गंदी कर रही है अपने बेटों के लिए कि कल सुबह ये होने वाले हैं। लेकिन हमारे दिलों में मम्मी हुसैन की सिर्फ मोहब्बत क्या से अनाप की है हुसैन 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 इसके अलावा कुछ नहीं आती है। याद करो कि वो बातें जो कर्बला में हुई है, कसम खुदा की कोई ऐसा वक्त नहीं है कि जिसके दिल में मोहब्बत ही इमाम हुसैन हो और उसके आंखों से आंसू ना जाए। जब जब हुसैन की मोहब्बत को किसी नए कदम आंसू गिरता है वो तीस समझ के शादी उसे चुन लिया करते हैं कि यह आम आंसू नहीं है, ये तो वो आंसू है जो मेरे इमाम हुसैन की मोहब्बत को। तो मैं क्या कह रहा था आज आज वक्त हजरत अली असगर का वाकया सुना, इंशाल्लाह जब मौका मिलेगा उसे तरतीब से बताया जाएगा। आप देखिए ये कर्बला की कहानी जो है वो शहादत, लेकिन उससे पहले उनके अब्बा हजरत अली की शहादत हुई। कोई इस्लाम क्या बता रहा है कि आप हतम हो गए शहादत तुम्हारी हो रही होगी। और मैं अपने नहीं कह रहा हूं, उठाओ कुरान पाक, कुरान पाक का तीसरा पारा है और तीसरे पारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है एक सूरत है वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, अल्लाह क्या फरमाता है वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर इल्ला लजीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। इस जब आप सूरत को पढ़ोगे ना तो पूरी कर्बला पे ले जाके पढ़ोगे। हम पढ़ते नहीं है, आपको चाहिए कुरान पढ़ो डिस्कशन पढ़ो उसकी तशरीह पढ़ो कहना क्या चाहता है कुरान। सिर्फ कुरान इसलिए बताया कि अल्लाह की पूजा क्यों करवाते हो, इसलिए नहीं है। कुरान में अल्लाह फरमाता है उसका तजरबा जब बता रहा हूँ, अल्लाह फरमाता है वल्लाह से इंदल इंसान लफी खुसर, ऐ महबूब तुम्हारे जमाने की कसम है इंदल इंसान लफी खुसर, ये जितने इंसान है ना सब के सब घाटे में। अल्लाह क्या बता रहा है ये जितने इंसान है सब घाटे में है। और हम क्या सोचते हैं कि हमारे पास पैसा है तो पहले सब कामयाब है, और अल्लाह फरमा रहा तुम घाटे में हो। अल्लाह क्या कह रहा है कि तुम घाटे में हो, इस बात को कबला से जोड़िए। अल्लामा शेख सुजन को तरफ फरमाते हैं कि बसरा में एक शख्स वो बेच रहा था बर्फ की सिद्धि बेच रहा था, और वो क्या कह रहा था कि अरे बसरा वालों मेरे ऊपर रहम करो, ये मेरा माल खरीद लो वरना मेरा माल पिघल रहा है। क्या कह रहा था, मेरा माल खरीद लो मेरा माल पिघल रहा है। वो या वो जिंदगी को बताना चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी जितनी है इसको गनीमत समझो। जिस तरीके से इमाम हुसैन के मंजिल में आए हो तुम्हें याद करना चाहिए कि इमाम हुसैन की जो शहादत हुई है उनके बाप हजरत अली की जो शहादत हुई है वो किस हाल में हुई है, वो इस हाल में हुई है उनका सब सबसे मौजूद था वो नमाज पढ़ने वाले नमाज पढ़ रहे थे। अब हजरत अली का सुनो, हजरत अली तो शख्स का नाम है ना जिसने उसे वक्त दरवाजे को एक बार चुना दे फरमाते हैं कि खैबर का दरवाजा हजरत इतना वसत था कि अगर 40 आदमी मिलकर उठाते तो नहीं उठा पाते थे, एक कोना 40 आदमी मिलकर नहीं उठा पा रहे थे, और हजरत अली ने एक हाथ से पकड़ा उठा के फेंक दिया। उस अली की ताकत का आलम क्या होगा। लेकिन वही कूफा है, कर्बला से जोड़िए हर चीज को। मेरे इमाम शहीद कहां हुए, कूफा। इमाम कहां मेरा शहीद है, कूफा में। उनके वालिद उनके भाई हजरत मुस्लिम कहां शहीद हुए, उसी कूफा। इमाम मुस्लिम से 10 साल पहले उनके बाप हजरत अली कहां शहीद हुए, उसी कूफा। ये हिस्ट्री है, बाप शहीद हुआ कूफा में, चचाजाद भाई शहीद हुआ कूफा में, चचाजाद के भाई हजरत मुस्लिम के दोनों बेटे और मोहम्मद कहां शहीद हुए, कूफा में। अब जब कूफा में खैबर शहीद हुए तो इमाम हुसैन भी पहुंचे, कोई जाना कहां है, हर हाल में आपको कूफा जाना है, हर हाल में आपको कूफा जाना है। अब जब मेरे इमाम अली का वाकया सुना, इमाम अली की शहादत यह है कि रात की तन्हाई में मेरे इमाम अली अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं,
उन्होंने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खलीसा के शिकायत मौला ताला थोड़ा सा इस तरह फतवे पाक करके तो मैं क्या आज कह रहा था तो मैं क्या कह रहा था इसलिए बता रहा हूं कि अभी चंद